अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। आज हम बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी बनाएंगे। आप इसको एंड तक ज़रूर देखें और फॉलो करें। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन बर्गर, जो कि बहुत ही इजी है। आप जब चाहें घर में बना सकते हैं इसको। जिसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, चिकन, मैदा, ब्रेड क्रम और दो मैंने एग यूज़ किए हैं। ब्रेड को आप दरमियान से काट लें। चिकन को मैंने 2 से 3 आवर पहले ही सिरका लगा के रख दिया था। तो यहाँ मैंने 2 कप जो है वो मैंने भर के लिए हुए हैं मैदे के। आम फ्लोर है जो आप यूज़ करते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है रेड चिल्ली डाली है, 1 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट ऐड किया और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा। यहाँ एक बाउल में ठंडा यख मैंने पानी ले लिया है। आप अच्छी तरह इसको कोट करें। ये जो मैदा है आप इसको चिकन के ऊपर अच्छी तरह से दबा दबा के इसको कोट कर लें। और एक बार कोट करने के बाद आप इसको ठंडे यख पानी में डालें और फिर दोबारा से कोट करें। इससे इसकी कोटिंग बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत अच्छा फ्राई होता है। ये अब भी इसकी कोटिंग जो है वो एग से कर लें। एग में इसको डिप करके अच्छी तरह से फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम लगा लें आप। ये देखें, ये ब्रेड क्रम मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। आप चाहें तो ब्रेड जो आपके घर में पड़ी हुई है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं ग्राइंडर करके। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना, बिल्कुल मीडियम स्लो फ्लेम रखनी है। मैंने मीडियम स्लो फ्लेम पे बिल्कुल इसको रखा हुआ है। जितना ही आप इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे उतना ही ये जूसी और क्रिस्पी बनेगा। ये देखें, 3 से 4 मिनट एक साइड को आप लगाएं और फिर आप दूसरी साइड इसकी पलट दें। इसको निकालने के बाद टिश्यू के ऊपर रखें ताकि जो भी इसमें ऑयल है इजाफी वो सारे का सारा टिश्यू के ऊपर रह जाए। ये बहुत ही क्रिस्पी और जूसी चिकन बना था। हर बिल्कुल हल्का सा मैंने पैन में बटर यूज़ किया है और ब्रेड को 2 हिस्सों में काट लिया है। अब हम ब्रेड को गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद मैंने यहाँ केचप यूज़ की है। आप चाहें तो जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मायनीज कर सकते हैं, और भी सॉसेज होती हैं आप उसको यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। या मैंने एक पत्ता जो है वो आइसबर्ग का यूज़ किया है। टमाटर जो है उनको मैंने इस तरह काट लिया था, खीरे को भी इस तरह मैंने काट लिया है। और 2 पीस मैंने बिल्कुल छोटे से ऑनियन के यूज़ किए। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसके ऊपर जो आपने पीस फ्राई किया है चिकन का वो रख दें। ऊपर आप इसके चीज़ का 1 पीस रखें और ब्रेड का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारा गर्म है, गर्म, और नीचे जो चिकन का पीस भी है वो भी गर्म है। चीज़ इसमें बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। ये देखें जी, हमारा बर्गर हो गया रेडी। बनाएं और मज़े से खाएं। ये मैंने इस तरह ही सारे स्टेप वाइज सारे इस तरह ही किए थे। मैंने यहाँ ब्रेस्ट चिकन यूज़ किया था जिसको मैंने 4 पीसेस में कर लिया था। ये देखें, बनाएं और मज़े से खाएं। ये इतना अच्छा और जूसी इसका अंदर वाला चिकन बनता है। याद रहे कि आपने इसको स्लो, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है। ये मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें ज़रा, इसको अंदर से इतना अच्छा और ये जूसी बना था। ये देखें, अंदर तक बिल्कुल चिकन जो है वो पका हुआ है, बहुत ही जूसी बना था। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आप लोगों को फिर मिलती हूँ। तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।